चलिए इसी के साथ अगली बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। अगली बड़ी खबर आपको भोपाल से ही बता रहे हैं, जहां जून में बीजेपी चलाएगी मेगा कैंपेन। एमपी की 29 लोकसभा सीटों पर बड़ी सभाएं होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय नेता सभाओं को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, गडकरी जो है इस बार माहौल बनाएंगे। 30 मई से 30 जून तक बीजेपी जो है कैंपेन चलाएगी। मैसेयोगी वैभव हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। वैभव, मोदी सरकार के कार्यकाल में आने के बाद जो है 9 साल पूरे होने वाले हैं, ऐसे में पूरे देश में जहां जहां भी बीजेपी की सरकार है वहां पर इस मौके को उत्सव के तौर पर बनाया जाएगा। और बात करें अगर मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में भी बताया जा रहा है कि जोरों शोरों से इस दौरान जो है सभाएं होंगी, बीजेपी के बड़े चेहरे इसमें शामिल होंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं उसने बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बजा दी है, और तो अगले साल जो लोकसभा चुनाव होने हैं उसमें बीजेपी को कहीं ना कहीं परेशानी का सामना ना करना पड़े उसकी तैयारियां जून के महीने से ही शुरू होने जा रही हैं। जून के महीने में भारतीय जनता पार्टी एक मेगा कैंपेन चलाने जा रही है, जहां मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं की बड़ी सभाएं आयोजित की जाएंगी। इस पर नरेंद्र मोदी भी रहेंगे, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सहित बड़े नेता इन लोकसभा क्षेत्रों में जाएंगे और सभाओं को संबोधित करेंगे। ऐसी जानकारी मिल रही है कि 30 मई तक केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार के 9 साल पूरे बीजेपी एक बड़ा कैंपेन चलाएगी। इस अभियान को विशेष जनसंपर्क अभियान नाम दिया गया। बुंदेलखंड से इसकी शुरुआत हो सकती है, पीएम की रैली वहां पर आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही बीना में एक बड़े प्लांट का भूमि पूजन और नरियावली में संत रविदास मंदिर का भूमि पूजन का कार्यक्रम भी पीएम मोदी के मुख्य आतिथ्य में ही होगा। जी जी वैभव, देखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं हम इसे ऐसे देख सकते हैं कि आने वाला जो चुनाव है उसमें बड़ा जो है, ये एक तो कार्यकाल 9 साल का पूरा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम इसे ऐसा कह सकते हैं कि एक पार्टी के लिए एक बड़ा मौका है ये, जिसमें जो है पार्टी अपना एडवर्टाइज कर सके, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सके और कहीं ना कहीं चुनाव है तो अपनी पार्टी की ब्रांडिंग यहाँ पर कर सके इस मौके पर। जाता है कि है, भले ही वो विधानसभा चुनाव हो, नगरीय निकाय के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, पंचायत के चुनाव हो, तो बीजेपी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हैं पीएम मोदी के साथ ही जी। चलिए वैभव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई भोपाल से, जो है बीजेपी के जो है कई सारे कार्यक्रम आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकते हैं। एक तो मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए, इस मौके पर बीजेपी इसे बड़े अवसर के तौर पर देख रही है, और क्योंकि जैसे चुनाव भी है और कर्नाटक चुनाव में जिस प्रकार के परिणाम आए उसके बाद से तो जो है काफ़ी अलर्ट मोड पर यहाँ पर बीजेपी नजर आ रही है।